सो गाइस ये है TVS की अपाचे 180 और इसमें एक प्रॉब्लम आ चुकी है। जैसे कि एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी जिसमें मैं बताया था इसके जो सोकर रिफ़िल कराए थे हमने, बेसिकली पिछले सोकर रिफ़िल कराए थे क्योंकि एक सोकर यहाँ पर लीक करने लगा था जो कि इस साइड वाला था। तो ऐसे में फिर से यहाँ पर जो ये लीक करने लगा है, देख सकते हो ऑयल दिख रहा है, इससे काफ़ी ऑयल निकल चुका है। जैसे मैं देखो टाइम की अगर बात करें वो डेट थी 5 नवंबर 2022, ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 महीने के समथिंग हो चुके हैं। तो ऐसे में अब जो किलोमीटर की अगर बात करें कितने किलोमीटर थे उस वक्त और अब जो कितने किलोमीटर हो चुके हैं उससे एक आइडिया लग जाए कितने किलोमीटर के बाद यहाँ पर जो ये सोकर लीक कर गए। जो किलोमीटर की रीडिंग देख रहे हैं ना अभी वह 56,063 किलोमीटर और जो हमने सोकर रिफ़िल कराए थे उस वक्त थी 55,476। लगभग ऐसे में अब बाइक चल चुकी है 587 किलोमीटर के, लगभग 587 किलोमीटर चलने पर ही इधर वाला सोकर लीक करने लगा जो कि उन्होंने लास्ट टाइम रिप्लेस करके दिया था क्योंकि हमारे इधर वाला सोकर रिफ़िल कर रहा लीक कर रहा था, ऑयल लीकेज कर रहा था किसी तरह से उसमें। तो ऐसे में उन्होंने कहा ये रिपेयर नहीं होगा, तो ऐसे में उन्होंने अपने पास से ही बदल के दे दिया था। तो ऐसे में ये फिर से लीक करने लगा ऑलमोस्ट 3 महीने बाद, ऑलराइट वैसे तो 4 महीने का इसमें टाइम है। तो ऐसे में हम जाएंगे इसको फिर से रिफ़िल कराएंगे, ऐसे में सेकंड टाइम ये बेसिकली रिफ़िल यहाँ पर हो रहा है क्योंकि ये पहले भी रिपेयर हुआ होगा। तो अब ये देखना होगा इस बार हम जब इसको रिफ़िल कराएंगे, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, बेटर सिंगल सोकर की अगर बात करें 200 रुपये के समथिंग या 150 रुपये के समथिंग लेते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा फिर से जब हम इसको रिफ़िल करा देंगे क्या ये चलेगा, कितनी लाइफ रहेगी, सक्सेसफुल रहने वाला नहीं रहने वाला, या फिर हमें फिर से न्यू सोकर यहाँ पर डलाने होंगे। तो ऐसे में चलते हैं सीधा शॉप पर। सो गाइस हम शॉप पर आ चुके हैं और फिलहाल जो यहाँ पर सोकर खोला जा रहा है, जो सोकर यहाँ पर लीक कर रहा था, फिलहाल ये आई थिंक इसे रिप्लेस करेंगे या रिफ़िल करेंगे देखना होगा। सुभाष सोकर वर्क्स पर हम शंकर आश्रम के पास हरिद्वार में शॉप, यहाँ पर फोर व्हीलर के सस्पेंशन का कार्य भी होता है। तो फिलहाल इधर वाला सोकर इन्होंने ओपन कर दिया है और देख सकते हैं कितना ऑयल लीकेज कर रहा है और अभी भी निकल रहा है, मतलब काफ़ी निकल चुका है और अभी भी इसके अंदर से निकल रहा है और काफ़ी सारा यहाँ पर चेसिस पे भी लगा हुआ है। तो ऐसे में ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, दूसरा भी लीकेज दूसरे सोकर में भी लीकेज हो सकता है कई बार। तो देख सकते हैं कितने सारे सोकर यहाँ पर टंगे हुए हैं, बेसिकली जो कई बार न्यू डला लेते हैं या फिर रिप्लेस करा लेते हैं उस केस के लिए यहाँ पर जो सोकर पड़े हुए। और यहाँ पर फिलहाल एक स्विफ्ट गाड़ी है, इसका सस्पेंशन का कार्य हो रहा है, सोकर आई थिंक रिफ़िल किए जा रहे होंगे या रिप्लेस कर रहे होंगे जो भी कर रहे हूँ। तो ऐसे हमेशा ऐसी दुकान से ही कार्य कराना चाहिए जो पुरानी हो, जहाँ पर प्रशिक्षित या फिर कहीं एक्सपीरियंस मैकेनिक हो जो अच्छे से कार्य कर सके। फिलहाल यहाँ पर देखो सोकर हमने रिप्लेस करा लिया है, हमारी बाइक के सोकर का काम यहाँ पर हो चुका है और ऐसे में नेक्स्ट डे हम आउटडोर्स का शूट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ देखना था सोकर फिर से कहीं लीक तो नहीं करने लगा और जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट सोकर उन्होंने रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा गला भी बैठ चुका, ठंड लग चुकी रात में। खैर अभी देखो सोकर की कंडीशन देख सकते हैं, उन्होंने पूरा रिप्लेस कर दिया क्योंकि अभी अंडर वारंटी में था। ऐसे में अभी फिलहाल कोई न्यू लीकेज तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और जो ऑयल के निशान आपको दिख रहे हैं ना ये पुराने हैं, नया कुछ नहीं इसमें। तो ऐसे में अभी मतलब अब देखना ये होगा कितने टाइम तक और सही कंडीशन में रहने वाला है, बेसिकली फिर से लीक तो नहीं करने वाला या रिफ़िल कराना पड़ेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें रहती। कई बार डाउट भी रहता है कि भाई हमें सोकर रिफ़िल कराने चाहिए या फिर नए डलाने चाहिए, तभी देख सकते हैं दबाने में किस तरह से सोकर इसके दब रहे हैं पिछले वाले। और एक बार स्टैंड से नीचे उतार कर और दबा कर देख लेते हैं, तो देख सकते हैं काफ़ी सही दब रहा है, सस्पेंशन काफ़ी सही काम कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी रिफ़िल कराया था तो सस्पेंशन में कोई भी मतलब मेरे को क्वालिटी ख़राब नहीं लगी थी, मतलब सस्पेंशन काफ़ी अच्छा था, कोई सुनता, बट यहाँ पर जो इसकी सील ब्रेक हो गई थी। अब ऐसे में देखना होगा कितने किलोमीटर अभी और चलेगा ये, ऐसे में मैं 2 महीने के बाद अपडेट की एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें बता दूंगा क्या कंडीशन लीकेज वगैरह तो किसी तरह का नहीं कर रहा। तो ऐसे में एक आइडिया लग जाता है कि सोकर रिफ़िल कराना कितना सही रहता है। तो ऐसे में यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लगा। तो ऐसे में जहाँ से आप कराते हैं वहाँ पर वारंटी वगैरह जरूर ले लें, 6 मंथ की वारंटी भी कुछ लोग देते होंगे, यहाँ पर 4 मंथ की वारंटी मिली थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हुई, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो कर दें लाइक और शेयर और शेयर कर दें दोस्तों साथ, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब।